अस्सलाम वालेकुम, एसएस किचन में वेलकम करते हैं। आज मैं फ्राई फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, ये फ़िश। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, ये मैंने तकरीबन 1.5-2 किलो मैंने फ़िश ली हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह की है। मैंने इस तरह के स्लाइसेस बना लिए, बड़ी वाली फ़िश है ये। और इसका ये सैल्मन फ़िश है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं इसके साथ ना। तो ये फ़िश ले लीजिए, एक से 1.5 किलो। और उसके लिए जो स्पाइसेस दरकार हैं वो है, सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने नमक भी साथ में पीस लिया है, तो मैं नमक थोड़ा सा कम डालूँगी। फिर है ये पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। नमक मैं लहसुन में डाल चुकी हूँ, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही लिया हुआ है, आप अपने चॉइस के मुताबिक जितना आप खाते हैं उतना ले लें हसब ज़रूरत। इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, फ्रेशली मैंने पीस ली है, पाउडर है ये, तो ये जाएगा 1 टीस्पून। ये है हल्दी। हल्दी का मैं आपको बता दूं, फ़िश में हमेशा हल्दी ज़्यादा डाली जाती है। क्यों? क्योंकि हल्दी से एक तो फ़िश टूटती नहीं है अगर हम हल्दी डालते हैं ज़्यादा, दूसरा हल्दी का फ्लेवर फ़िश में बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपकी फ़िश भी नहीं टूटेगी, दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बराबर में ये रखा हुआ चिकन पाउडर, ये है 1/2 टीस्पून, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो फ़िश का खुद का बहुत अच्छा टेस्ट है, ना डालें। ये है साथ में कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, फ़िश की जान है ये कसूरी मेथी, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। और ये है अजवाइन 1 टीस्पून, ये भी फ़िश में बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो ये डालेंगे। और ये लेमन जूस 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 लीमू के बराबर का जूस। तो चलिए अब हम इसको मैरिनेट करते हैं, और मैरिनेट करके इसको काफ़ी देर रखना है ताकि फ़्लेवर अच्छे से रच बस जाए। तो मैंने ये एक थाल ले लिए, इसमें मैं इसको मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं ये लेमन जूस डाल रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें मैं ये सारे मसाले डालूँगी, लहसुन और ये सारे के सारे स्पाइसेस। ये सारे के सारे स्पाइसेस इसमें चले गए, और इनको हमने मिक्स कर लेना है पहले, उसके बाद कहीं जाके फिर फिश पे लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली हर फिश के ऊपर मसाला लग जाए, कहीं किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा लग जाए, कुछ कहीं किसी के ऊपर कम लग जाए, तो ये इस तरह से ना हो। अच्छा, ये लेमन जूस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो है ना पतला हो जाएगा, तो फिर सब पे अच्छे से लग जाएगा। और अब इसमें मैं फ़िश डालूँगी सारी, और एक एक करके इसको हमने इस तरह से मसाला लगाते जाना है। इस तरह से सब पे लगाएंगे, आगे पीछे अच्छे से। और लगाने के बाद आप इसको कम से कम 1 से 2 घंटा रखें, ताकि फ्लेवर इसमें अच्छे से रच बस जाए। तो मैं इसी तरह सारी फ़िश के ऊपर मसाला लगाऊंगी, आप देखें, ये देखिए इस तरह से मैं सारी फ़िश के ऊपर मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी फ़िश के ऊपर मसाला लगा लिया है, एक एक पीस के ऊपर इस तरह से लग गया है। मसाला लगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें थोड़ा सा लेमन और ऐड करूँगी, तो वो मैंने ऐड किया, और ताकि मसाला लगाने में मुझे आसानी हो। तो ये मैंने सारा का सारा मसाला इसके ऊपर लगा के अब इसको मैं 1.5 से 2 घंटा रखूँगी। आपने भी इसको 1.5 से 2 घंटा रखना है, अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर रख लेंगे मैरिनेशन के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, अब इसमें मैं एक एक करके पीसेस डाल दूँगी, शैलो फ्राई करना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको शैलो फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी रहे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो उससे ये होगा कि जल्दी जल्दी कुक हो जाएगी और सॉफ्ट रहेगी, तो हमें तो क्रिस्पी चाहिए।
क्रिस्पी फ्राइड फिश है ये, तो इसलिए हमने इसको शैलो फ्राई करके मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो इसी तरह से मैं सारे पीसेस डाल रही हूँ। तीन मिनट हम एक साइड को देंगे और इसी तरह से दो तीन मिनट दूसरे साइड को फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करते हुए मैं आपको चंद टिप्स देना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया जो था कि आप हल्दी ज़रूर डालिएगा ज़्यादा। दूसरी मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि जब आप फ़िश फ्राई करें तो उसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, लेकिन जब आपको लगे कि आपने उसको निकालना है या टर्न करना है तो थोड़ा सा उस टाइम फ्लेम थोड़ा हीट आपने ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि उससे ये होगा अगर हम मीडियम पे रखते हैं तो वो सॉगी टाइप होने लगती है, सॉफ्ट हो जाती है फ्लेम जब चूल्हे पे ही रखी हो ना। लेकिन जब हम उसके पीछे जब हम उसको टर्न करने लगे तो उस वक्त आपने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देनी है, जिसकी वजह से ये होगा कि वो क्रिस्प नीचे से पकड़ेगा और टर्न करने में आसानी होगी। लेकिन शुरू से आपने फ्लेम हाई नहीं रखना, शुरू से आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। बस टर्न करते वक्त और निकालते वक्त आपने फ्लेम हाई करनी है। दूसरी ये है, तीसरी टिप ये है कि आपने इसको डालते साथ ही हिलाना नहीं है, डाल के आप दो मिनट तक तो कम से कम इसको भूल जाएं। जब दो मिनट हो जाएं तो आप इसको नीचे से हल्का से चेक करेंगे कि हाँ ये फंसी हुई तो नहीं है। मेरा तो नॉन स्टिक पैन है तो वो तो इंशाल्लाह नहीं फंसेगी ना टूटेगी, लेकिन अगर आपका नॉन स्टिक पैन नहीं भी है तो आपने उसको दो से ढाई मिनट पहले एक साइड पर पकने देना है, फिर उसके बाद टर्न करना है फ्लेम को हाई करके, तो इंशाल्लाह फिश कभी भी नहीं टूटेगी। तो चलिए अब ये फिश एक साइड से हो गई है रेडी, तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ। इसी तरह से आपको गोल्डन करके और फिर से इजीली टर्न करेंगे। क्योंकि मेरा हाथ बंद है, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं टर्न कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो चलिए मैं इसको टर्न करती हूँ कैमरा ऑफ करके। ये देखिए इसी तरह से आपने ये सबको फ्राई कर लेना। कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। तो बस आपने इसी तरह सारी फिश फ्राई करनी है और अब हम इसका दूसरा साइड भी कुक कर लेते हैं दो मिनट के लिए। तो चलिए दूसरे साइड से भी कुक हो चुकी है, अब इसको मैं निकालती हूँ। आई होप कि अच्छे से निकल आए, क्योंकि मैंने मेरा एक हाफ बंद है, कैमरा पकड़ा हुआ मैंने, क्योंकि ट्राइपॉड तो उस पर चूल्हे पे रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं एक ही हाथ से निकाल रही हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो मैंने निकाल ली। इसी तरह से मैं और फ्राई करूँगी। तो चलिए जब हम इसे सर्व करते हैं, सारी की सारी फिश रेडी हो गई है। बहुत गर्म है ये। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इस मसाले में अगर आप बनाएंगे इसको। आपको बाहर के मसाले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, पेश नहीं आएगी आपको, तो इसे आप ज़रूर घर पे ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिश रेडी है, यम यम स्पाइसी क्रिस्पी मसालेदार फिश रेडी है। इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इसे शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।